नमस्कार दोस्तों, आज फिर आ गए हम इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को लेकर। हाउ मेनी वैट इन 1 एम्पियर, मीन्स 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं। यह सवाल आपको कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल का आंसर जान लेना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में जॉब करना चाहते हो तो यह सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फील्ड में इस आंसर का 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। सिंपल है दोस्तों, आसान भाषा में समझाऊंगा इंटरव्यू में किस प्रकार से इस आंसर का जवाब दे सक, यह भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए वरना समझ नहीं पाओगे और आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हमारे चैनल पर लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है या आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दे सकते। वापस से इंटरव्यू लेने वाले को आप सवाल कर सकते हैं कि सर, इस 1 एम्पियर का वोल्टेज क्या है, पावर फैक्टर क्या है, या फिर दोस्तों आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस 1 एम्पियर सप्लाई कौन सा है, सर डीसी सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई, या 3 फेज AC सप्लाई। ये क्वेश्चन आप फिर से इंटरव्यू लेने वाले को पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 एम्पियर में कितने वैट है यह जानने के लिए हमें वोल्टेज और पावर फैक्टर जानना काफी जरूरी है। इसके अलावा आप 1 एम्पियर का वैट कितना है यह नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों हमारा जो फार्मूला होता है डीसी पावर सप्लाई का वैट निकालने के लिए P=V×I, इस फार्मूले से हम डीसी पावर सप्लाई का वैट निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे सिंगल फेज AC सप्लाई का वैट निकालने के लिए फार्मूला होता है P=V×I×cos φ, स्पाई का मतलब होता है दोस्तों पावर फैक्टर। और जो लास्ट में हमारा फार्मूला होता है दोस्तों 3 फेज AC सप्लाई का वैट निकालने के लिए, जो होता है फार्मूला P=√3×V×I×cos φ, कॉस फाइ का मतलब मैं बता चुका हूँ दोस्तों हमारा पावर फैक्टर। इन 3 फार्मूले के मदद से दोस्तों हम हमारे 1 एम्पियर का वैट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको इन 3 फार्मूले को लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इन 3 फार्मूले के अलावा आप इस 1 एम्पियर का वैट नहीं निकाल पाओगे। यह तो हो गए हमारे फार्मूले जो कि डीसी सप्लाई, सिंगल फेज एसी सप्लाई और 3 फेज AC सप्लाई, जो कि इन 3 के फार्मूले अलग अलग है। इसलिए दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सप्लाई कौन सा है, डीसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई या 3 फेज सप्लाई। यह जानने के बाद ही आप तय कर पाओगे कि आपको इनमें से किस फार्मूले का यूज करना है, क्योंकि इन फार्मूलों के अनुसार आपको सप्लाई में वोल्टेज और पावर फैक्टर जानना काफी जरूरी है। दोस्तों इनके फार्मूले आपके सामने है, इन फार्मूलों के अनुसार आप वोल्टेज और पावर फैक्टर जाने बगैर 1 एम्पियर का वैट आप नहीं निकाल पाओगे। और दोस्तों 3 फेज AC सप्लाई का वैट निकालते समय जो इस फार्मूले में √3 होता है, इसकी वैल्यू 1.732 है। यह वैल्यू आप फार्मूला लिखते समय √3 के जगह यह वैल्यू लिख सकते हैं, ताकि आपको फार्मूला लर्न करने में आसानी हो और यह फार्मूला आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इन 3 फार्मूलों को 1 by 1 क्लियरिफाई करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारे डीसी सप्लाई के 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं। हमारे डीसी सप्लाई का फार्मूला है दोस्तों P=V×I, फार्मूले के अनुसार हम हमारे डीसी सप्लाई का 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं यह निकालने वाले। इसे निकालने के लिए हम यूज करने वाले हमारे मोटर का। इस फार्मूले के अनुसार हमें पता होना चाहिए दोस्तों हमारी जो मोटर है वो कितने होल्ड की है। अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारी जो मोटर है वो 220 होल्ड की है। अब हम हमारे फॉर्मूले के अनुसार इसमें वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू अब हमें पता है दोस्तों हमारी मोटर है 220 होल्ड की, I की वैल्यू तो हमें पता ही है दोस्तों हमारी मोटर जो है 1 एम्पियर की है, इसलिए हम I की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे। तो दोस्तों हमारे लास्ट में जो इनकी वैल्यू आएंगी वो होंगी हमारी वैट की वैल्यू। इसी प्रकार से हम निकालेंगे हमारे 3 फेज AC सप्लाई और सिंगल फेज AC सप्लाई का वैट। हमारे सिंगल फेज AC सप्लाई का फॉर्मूला है दोस्तों P=V×I×cos φ, cos φ मीन दोस्तों पावर फैक्टर। अभी हमें इस फॉर्मूले के अनुसार दोस्तों वोल्टेज और करंट तो पता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में cos φ यानी हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है, कि वैल्यू जाने बगैर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व नहीं कर पाए। तो हमने हमारे मोटर में जान लिया था कि वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट है और करंट तो हमें पता ही है कि हमें 1 एम्पियर का वैट निकालना है, तो करंट हमें पता है दोस्तों। इस फॉर्मूले के अनुसार दोस्तों जो एक cos φ है जो कि पावर फैक्टर है, तो हम इस मोटर का पावर फैक्टर दोस्तों 0.8 मान लेते हैं। जनरली दोस्तों
दोस्तों 0.8 ही पावर फैक्टर होता है, या फिर दोस्तों 0.5 0.9 समथिंग हो जाता है पावर फैक्टर दोस्तों आपको मोटर के नेम प्लेट में मिल जाए। तो हम अभी के लिए इस मोटर का पावर फैक्टर मान लेते हैं कि 0.8 है, तो हम हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 लिख ले। तो अब हमारे फॉर्मूले के अनुसार हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इस वैल्यू को इन फॉर्मूले में ऐड करेंगे। जो कि वोल्टेज की वैल्यू हमें मिली है 220 वोल्ट इनटू आई की वैल्यू हमें पता है जो हमें निकालना है 1 एम्पियर का वैट। हम इस आई की वैल्यू लिख लेते हैं 1, और कॉस पाई यानी पावर फैक्टर की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 0.8। अब दोस्तों लास्ट में इसकी जो भी वैल्यू आएगी, और दोस्तों जो हमारी लास्ट में वैल्यू आएगी 176 वैट, हमारे सिंगल फेस एसी सप्लाई के 1 एम्पियर में 176 वैट है। लेकिन दोस्तों आपको यह एक बात भी जानना काफी जरूरी है, सिंगल फेस एसी सप्लाई का वैट हम तब तक के नहीं निकाल पाएंगे जब तक के हमें वोल्टेज करंट और कॉस पाई की वैल्यू नहीं मिलती। आपको क्वेश्चन में तो मिल जाएगा 1 एम्पियर, आपको करंट तो पता चल जाएगा कि आपके पास 1 एम्पियर है, लेकिन आपको वोल्टेज और कॉस पाई की वैल्यू जानना काफी जरूरी है। इसके अलावा आप सिंगल फेस एसी सप्लाई का वैट नहीं निकाल पाओगे, यह एक बात समझना काफी जरूरी है। इसलिए आपको सबसे पहले तो वोल्टेज और कॉस पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारा होता है पावर फैक्टर। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्या होता है वोल्टेज और कॉस पाई की वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद रहता है तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार आगे पीछे हुई वैल्यू को भी हम इस फॉर्मूले में पुट करके हम लास्ट में वैट निकाल सकते। अभी आपको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो है 420 वोल्ट और हमारा पावर फैक्टर है 0.5। कुछ डरने की बात नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस हमें इसमें हमारी वैल्यू ऐड करनी है, जो कि वोल्टेज की है 440 इंटू करंट की है दोस्तों, करंट हमें पता है 1 एम्पियर, करंट भी चेंज हो सकता है दोस्तों, हमें 1 एम्पियर के जगह पे हमें 2 एम्पियर भी पूछ सकते हैं, तो इसकी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जब हमें 2 एम्पियर पूछे तो हम करंट की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझने के लिए हम 1 एम्पियर ही लिख रहे हैं। 1 इंटू कॉस पाई पावर फैक्टर तो हमने मान लिया था दोस्तों, अब आपको समझने के लिए 0.5 जो इसका लास्ट में आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 220 वैट। इसी प्रकार से आप सिंगल फेस एसी सप्लाई का भी वैट निकाल सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों हमारे 3 फेस एसी सप्लाई में कितना वैट यूज होता है यह निकालने वाले हैं। सिंपल है दोस्तों, बस इसमें थोड़ा अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हमें करनी पड़े, जो कि इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 1.732। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों, आप अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.732 ये आप फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख सकते हो। अंडर रूट ऑफ 3 नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, आपको फॉर्मूला लर्न करने में काफी आसानी होगी। इसलिए 3 फेस एसी सप्लाई फॉर्मूला लर्न करते समय आप अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ही याद रखें, ताकि आपको फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए आसानी हो। दोस्तों अब हम फॉर्मूला लिखते समय अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू ही लिखेंगे, जो कि है 1.732 इनटू वी इज इक्वल टू आई इनटू टू, हम कॉस पाई भी नहीं लिखेंगे दोस्तों, अब आपको पता है कॉस पाई यानी होता है हमारा पावर फैक्टर, तो हम फॉर्मूले में कॉस पाई न लिखते हुए हम सीधा पावर फैक्टर ही लिखेंगे दोस्तों, ताकि आपको ये भी समझने के लिए आसानी हो जाए। दोस्तों अब हमें इस फॉर्मूले के अनुसार बस हमें चाहिए वोल्टेज और पावर फैक्टर। पता है दोस्तों हमने डीसी सप्लाई और सिंगल फेज एसी सप्लाई की वैल्यू निकाली, तो हमने इस वैल्यू में जो वोल्टेज यूज किया था 220 वोल्ट और जो हमने पावर फैक्टर यूज किया था 0.8 वोल्ट, यही वोल्टेज और पावर फैक्टर दोस्तों अब हम 3 फेज एसी सप्लाई का वैट निकालने के लिए भी यूज करेंगे। दोस्तों अब हमें पता है कि हमारे अंडर रूट 3 की वैल्यू भी हमें पता है, टू वोल्टेज की वैल्यू भी दोस्तों अब हमें पता है 220 वोल्ट, और करंट तो हमें पता ही है 1 एम्पियर, और पावर फैक्टर भी हमें पता है दोस्तों, जो कि हमने इस मोटर का पावर फैक्टर लिया था 0.8 वोल्ट। काफी सिंपल है दोस्तों, इनकी जो भी वैल्यू आएगी 574.36 ये होगा दोस्तों हमारा 1 एम्पियर का वैट। इस प्रकार से हम हमारे डीसी सप्लाई और सिंगल फेस एसी सप्लाई और थ्री फेस एसी सप्लाई का वैट हम निकाल सकते हैं 1 एम्पियर का। भी सिंपल है दोस्तों, इस प्रकार से आप डीसी सप्लाई का भी वैट निकाल सकते हो, बस इसके लिए आपको यह फॉर्मूला लर्न करना होगा, जो कि है पी इज इक्वल टू वी इन टू आई। इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों हमारा सिंगल फेस एसी सप्लाई, इसका भी फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा फॉर्मूले में आपको याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में आपको वोल्टेज और कॉस पाई यानी जो कि होता है हमारा पावर फैक्टर आपको पता होना चाहिए। इन दो चीजों के अलावा आप सिंगल फेस एसी सप्लाई का वैट नहीं निकाल पाओगे। इससे ही सिमिलर है दोस्तों हमारा 3 फेस एसी सप्लाई, बस 3 फेस एसी सप्लाई में दोस्तों को अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, जो कि आपको पता है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है 1.732। आप अंडर रूट 3 याद रखने के अलावा आप 1.732 भी याद रख सकते हो, कि आपको इस फॉर्मूले को लर्न करने में आसानी हो। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि आप इंटरव्यू लेने वाले को सवाल
सवाल पूछ सकते हो। लेकिन आपको यह फॉर्मूले याद होना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अगर यह फॉर्मूले याद नहीं होंगे और दोस्तों आप इंटरव्यू लेने वाले को क्वेश्चन करते हो कि सर कौन से सप्लाई का हमें 1 एम्पियर का वैट चाहिए, तो दोस्तों काफी बार इंटरव्यू लेने वाले आपको गुमराह करने के लिए आपको वोल्टेज बता देते हैं दोस्तों 220 और पावर फैक्टर बता देते हैं दोस्तों 0.5 हमारे डीसी सप्लाई के लिए। तो दोस्तों अगर आपको फार्मूला आता है तो डीसी सप्लाई के लिए पावर फैक्टर हमें नहीं लगता दोस्तों, डीसी सप्लाई के लिए हमारा फार्मूला है दोस्तों V into I। तो आप गुमराह हो सकते क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले ने तो वोल्टेज और पावर फैक्टर बता दिए दोस्तों हमारे डीसी सप्लाई के लिए। तो दोस्तों अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इंटरव्यू वालों को भी बोल सकते हैं कि हमें डीसी सप्लाई का वैट निकालने के लिए फार्मूला है दोस्तों P = V into I, इसमें पावर फैक्टर का यूज नहीं होता। इस कारण से दोस्तों आपको इन तीन फार्मूलों को याद करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इन तीन फार्मूले याद नहीं है तो आप वो वैट नहीं निकाल पाओगे, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों आप पहले इन फार्मूलों को याद कर ले। अगर आप इन तीन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो दोस्तों काफी सिंपल है 1 एम्पियर का वैट निकालना। करता हूँ आप समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर में कितने वैट होते हैं और 1 एम्पियर का वैट हम कैसे निकालें। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।